नमस्कार। इस वीडियो में हमने के गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी यानी कि गांधी जी के आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मेरी सच्चाई के साथ प्रयोग या फिर हमार सच्चाई के साथ प्रयोग के भोजपुरी अनुवाद सुने जा रहल बानी जा। आत्मकथा शुरू होखेला ये खड़ा जेल से। वहां साथी कैदी जयराम दास जी जोर देत रहन कि हमें अपन आत्मकथा लिखे के चाहिए। हम बड़ा उलझन में रही कि अब आत्मकथा कैसे लिखी। ई सब तो विदेश में चलेला, हमनी के यहाँ कहाँ केहू पढ़ेला आत्मकथा। फिर भी थोड़ा मनोविचार कैला के बाद ई निश्चित कैनी कि हो सकता बाद में हमार विचार बदल जाए, पर हम अभी आत्मकथा लिखम। काहे कि एह माध्यम से हम अपना जीवन में सच के साथ जो प्रयोग कैले बनी वो पूरा दुनिया के दिखा पाएं, सुना पाएं। हमार आत्मकथा शुरू होता हमार बचपन से, जब हम अपन पहला प्रयोग कैनी मांस खाकर, सिगरेट पीकर, चोरी कैके, शराब पीकर। बचपन में हम दुगो कहानी पढ़ले रहनी जेकर हमरा ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ल। पहला कहानी रहे राजा हरिश्चंद्र के। ऊ कहानी पढ़ के हमरा लागे कि हम ही हरिश्चंद्र हैं। ऊ कहानी हम बड़ा रुचि के साथ पढ़ी आ उनका लेखा बने के कोशिश करे लगनी। आ दोसर कहानी रहे श्रवण कुमार पितृभक्ति नाटक। श्रवण कुमार के ई नाटक भी हमरा के बहुत प्रभावित कैलस। जीवन में जब हमनी के बच्चा रही सा तब जो भी कहानी आदमी पढ़ले बा से हमनी के बहुत प्रभावित कहले बा। यही से अगर आप कोई बच्चा के कुछ दीहल चाहतनी तो कहानी के किताब दी जेमे महान लोग के जीवन के हिस्सा बतावल हो। और आजकल तो ऑडियो बुक के जमाना बा। या फिर आप कहीं पर कहानी पढ़ी या सुनी और फुर्सत में बच्चन के बताई, ई रीति मिटे के ना चाहिए। चलल जाओ आत्मकथा में। 13 साल के उम्र में कस्तूरबा से हमार बियाह हो गई। अब जब बड़ा हो गई नी तो एकर विरोध करीला। ई प्रथा के कोनो दलील से सही ना करा दिया जा सकता। सगाई बचपन में ही हो गेल रहे, हमार जाने बगैर अभी लगन भइल हा। भाभी हमार सिखैली कि अपन पत्नी से कैसे व्यवहार करे के बा। दोनों आदमी कस्तूरबा हम एक ही कमरा में रहत रही, लेकिन डर से हिचक से कभी बातें ना होके। धीरे धीरे हिचक मिटल, बात भइल। कुछ दिन बाद प्रेम बढ़ल तो हम उनका पर हक जमावे लगनी। हई मत करा, उहा मत जा, उनका से मत बतियावा, और भी बहुत कुछ। लेकिन कस्तूरबा हमरों से 20, उनका के जतने टोकी वो उतने स्वच्छंद हो जास। अब जब बड़ा हो गई नी तो लागेला बुझाला कि कितना गलत रही हम। कस्तूरबा पढ़ल लिखल ना रही, हमार इच्छा रहे उनके पढ़ावे के, पर कभी मौका ही ना मिलल। हमार ही गलती रहे, समय निकाले के कोशिश ही ना कैनी। हाई स्कूल में हम अच्छा विद्यार्थी रही, हमरा स्कॉलरशिप मिलत रहे, लेकिन जिम्नास्ट माने कसरत के जो घंटी रहे ऊ हम नागा मार के पिताजी भीरी चल जाए उनकर सेवा करे गोड़ दबावे खातिर। पिताजी के तबीयत बड़ा खराब रहत रहे तब। एक दिन धरा पड़ गई नहीं तो स्कूल में जुर्माना देवे के पड़ा। मास्टर जी के जब बताई नहीं कि पिताजी के गोड़ दबावे जात रही तो उनका लागल हम झूठ बोलत नहीं। अगला दिन पिताजी के स्कूल में ले आके मास्टर जी से बात करा देनी। तो बचपन के हमार पहला गलती स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ना देनी, मेहनत वाला काम से तो दूरे भाग। आ दोसर गलती हमार हैंड राइटिंग, हाथ के लिखाई बड़ा बाउर रहे। साउथ अफ्रीका गई नहीं तब तक भी ना सुधरल रहे। सुधारे के जीवन भर कोशिश कई नहीं पर कौनो फायदा ना भई। आ तीसरा गलती संस्कृत भाषा हमरा बिल्कुल समझ ना आवत रहे, पर संस्कृत के मास्टर जी बुझला फुसला के हमार मन संस्कृत में लगावे के बहुत चेष्टा कैले। ई बहुत जरूरी भी रहे। एगो भारतीय के
संस्कृत सीखल बहुत अनिवार्य बा। हमरा हिसाब से हर हिंदू बच्चा के संस्कृत आवे के चाही आ एकर जिम्मेदारी उनके माँ बाप के बा। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के भी एगो बच्चा के जानकारी होखल जरूरी बा। लइकाई में एगो और गलती कहनी, एगो बिगड़ल लड़का के सुधारे के कोशिश कहनी, ओकरा से दोस्ती कहनी। हमार ऐसन मानन रहे कि हर इंसान में अच्छा बुरा दोनों होखेला, हमनी के वो अच्छा हिस्सा देखे के चाहिए। त घर वाला के लाख मना कैला के बावजूद हम उ लड़का के खराब हिस्सा ना देख उसे दोस्ती कहनी। उ हमरा के मांस खाए के आदत लगा दिलस। उ कहे कि अंग्रेज मांस खा के ही बरियार बड़े सा, हम इतना दुबला पतला बनी काहे कि मांस ना खानी। मांस खैला पर ताकत मिली। अंग्रेज एगो हमनी के पांच गो के बराबर बा। हम लोग अंग्रेजन से यही से ना लड़ पाई ले, तो अंग्रेजन से लड़े खातिर अंग्रेजर जैसन बने के पड़ी। ई सब बात सुन के हम बहक गई। हमरा लागे लागल कि अगर हर कोई मांस खाए लागे ताकतवर हो जाए तो अंग्रेजन के आसानी से हरावल जा सकता, आसानी से ओकनी के भगावल जा सकता। अब हम एगो वैष्णव परिवार से होखे के बावजूद मांस के भोग करे लगनी। अब गुजरात में मांस के जितना विरोध कइल जाला हमरा नइखे लागत देश में और कहीं उतना विरोध होत होई। लेकिन मांस देश खातिर खैले रही, खुद खातिर ना। लेकिन मांस खैला के बाद सच में हमें ओह रात भर नींद ना आई। ओह रात ऐसा लागत रहे जैसे कि जेकर मांस खैनी है वो अभी भी पेट में जिंदा बा, हरकत करता। कुछ दिन बाद हमरा मांस खाए में स्वाद मिले लागल। हमरा जेब से तो 1 रुपया भी ना लगत रहे, सब पैसा दोस्त देत रहन सा। लेकिन वो दोस्त लोग भी उतना रईस रहे ना, वो लोग पैसा खर्च करत रहे हमरा के मांस के लत लगावे खातिर। जे दिन मांस खात रही से दिन घर जाके खाना ना खात रही, झूठ बोल देत रही कि भूख नहीं खे। हमरा हर समय ई डर लागल रहे कि माता पिताजी के पता चली तो उन पर तो बिजली ही गिर जाए। लेकिन माई बाबूजी खातिर हम मांस के सेवन बंद कर देनी कि उनका रहते हम ही गलत काम ना कर। अब छूटल आदत तो जीवन भर खातिर छूट गए, लेकिन दोस्त लोग तो उहे रहे। एक दिन हम सब दोस्त लोग वेश्या लोग के पास गए नहीं। एक वेश्या के साथ अंदर गई नहीं, लेकिन शर्म के मारे कुछ करल तो दूर बोली भी ना निकल। हमार व्यवहार से वो वेश्या नाराज होके बहुत उल्टा फुल्लस बोललस हमरा के और बाहर भगा दिलस। हमरा बड़ा बाउर लगा, लेकिन भगवान के शुक्र बा कि हम बच गए नहीं। हमारे एगो रिश्तेदार के साथ हम बीड़ी भी पिया ले बनी, वो भी जूठा बीड़ी जे चाचा लोग पी के फेंक देस। फिर जब लत बढ़ गई और कहीं बीड़ी ना मिले तो बीड़ी खरीदे खातिर चोरी भी कहीं नहीं। चोरी कैला के कारण मन ग्लानी से भर गए रहे, निश्चय कैनी कि आत्महत्या कर ले। कहीं से सुनले रही कि धतूरा के बिया में जहर होखेला, तो ऊ खाएम ठीक कर लेनी। पर हिम्मत ही ना भई, सोचल अलग बात है और करल एकदम अलग। एगो ज्ञान जरूर मिलल इस चीज से कि अगर कोई हमरा के आत्महत्या के धमकी दी तो ओकरा के गंभीरता से हम ना ले। दोस्त से लिहल पैसा लौटावे खातिर हम अपन भाई के कड़ा से सोना चुरा के बेच देनी। इतना पाप करके बड़ा दुख भय, बहुत रोनी और पिताजी के एगो चिट्ठी लिख के सब बता देनी। चिट्ठी में उनका से माफी मांगनी और कसम खैनी कि आगे से जीवन में ऐसा कुछ भूल ना करम, और यह भी कहनी कि आप जो सजा देम हमें मंजूर हुई। पिताजी अस्वस्थ रहन, चिट्ठी पढ़ के रोए लगले, लोर से कागज भीज गए। वो चिट्ठी फाड़ दे और मुंह घुमा के सो गए। हमरा के कुछ ना बोल ले, डटबो ना कह ले, लेकिन हमरा पता रहे उनका बहुत दुख पहुंचल बा। हम भी खूब रोनी और फैसला कैनी जीवन में और कौनो पाप ना करम। अब हमरा जीवन में दुख के आगमन होखे आला रहे।
पिताजी के तबीयत बद से बदतर होखे लागल रहे और कस्तूरबा पेट से हो गई रही। हमरा बड़ा लाज लागे, अभी तो हाई स्कूल भी पूरा ना कैले रही। काका सब है पिताजी के पास बैठल रहत रहे लोग, रोअस लोग। पिताजी या काका लोग में बड़ा प्यार रहे। एक दिन हम पिताजी के गोड़ दबावत रही तो काका बोलले कि तू चल जा, हम दबा दें। हम खुश होके चल देनी। हम कमरा में गई नहीं और कस्तूरबा के जगह नहीं, लेकिन ओने से दौड़त नौकर आई चिल्लाई कि बापू के तबीयत बहुते खराब बा, वो बहुते बीमार बाड़न। हम फिर से पूछनी कापत आवाज में तो नौकर धीमा आवाज में कहलस कि बापू अब ना रहलन, अभी तो 4-5 मिनट पहले पैर दबा के लौटनी है। हमरो जाने का हो गेल रहे, अतना का नींद जरूरी रहे और तनी देर ना बैठ पैनी है। पिताजी गुजर गए और कस्तूरबा जिनके जन्म देली वो भी 4 दिन के बाद गुजर गए। एकरा बाद हमार हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ल, साथ ही विदेश जाए के भी तैयारी शुरू। साल 1886 के बाद मैट्रिक पास कैनी। कोनो रिश्तेदार के सलाह पर हमके बैरिस्टर के पढ़ाई करवावल गए। ठाट बाट के लोभ देखावल गए। रिश्तेदार हमरा परिवार के समझे ले कि उनका बेटा के साथ हम भी रह ले। डॉक्टर बने के जगह हमरा वकील बने के बोलल गए। हमार माई के दिमाग में लोग बुरा बुरा बात भर दिलस कि हम बहरी पढ़े जाएं तो बिगड़ जाएं, मांस खाएं, दारू पियम, काहे कि विदेश में ये सब तो आम बात है। माई हमरा से कसम ले ली कि हम लड़की मांस आ शराब के हाथ भी ना लगाएं। तब जाके माई हमरा के विदेश भेजे खातिर राजी भैली। हम बम्बई खातिर रवाना हो गई, लेकिन हिंद महासागर में तब तूफान आई रहे, वो कारण से यात्रा स्थगित कर दिहल पड़ल। लौट के गुजरात वापस आ गई नी। नवंबर में जाए के दिन ठीक भइल। एक बीच समाज से हमार दाना पानी बंद कर दिहल गए, समुन्दर के पार कई बाप रहे, उन्हें जाके हमार आचरण बिगड़ जाई और भी बहुत कुछ। हमारो कोनो फर्क ना पड़ल, निकलब त निकाल द, धर्म कोनो एक ही आदमी के थोड़े हा, और हम भी यही धर्म के हैं। हमरा विदेश जाए के बड़ा जल्दी रहे। 4 सितंबर 1828 के हम निकल गए नी समुद्र यात्रा पर, काहे कि और कुछ दिन रुक जाती तो विदेश ना जाते, जहाज में केहू से बात ना हो, अंग्रेजी ना आवे, वही से चुपचाप एक कोना बैठल रहत रहे। एगो अंग्रेज बात बात में कहलस कि इंग्लैंड में मांस खाए बिना नहीं खे रहल जा सके। हम ओकरा बताई नहीं कि हम पढ़ले बनी, वहाँ पर भी लोग बा जे शुद्ध शाकाहारी बा, ओकरा विश्वास ही ना होके। उ कहलस कि शराब ना पियला से भी चली, लेकिन मांस खाए बिना इंग्लैंड में बाचल मुश्किल बा। जहाज इंग्लैंड पहुँचल, वही जा डॉक्टर मेहता से मिलनी। इंग्लैंड में लोग के रहन सहन, खाए के तरीका, मिले के भाव, बोली विचार देख के हम अवाक रह गनी। मने मन सोचनी 3 साल एकनी के साथ कैसे बिताएं। डॉक्टर मेहता की यहाँ खाए के मेस बन गई, वही जा लोग रोजाना समझावे कि मांस खा ल, लेकिन माई के कसम याद आ जावे। हालांकि लोग शराब या सिगरेट खातिर कभी जोर न डल, पर मांस खिलावे खातिर सभे आतुर रहे। कुछ दिन ऐसन भी रहे कि हम भूखा रहनी, खुद पकावे के कोशिश भी कैनी, लेकिन मांस ना खैनी। धीरे धीरे इंग्लैंड के रंग में रंग गईनी, सूट बूट पहने लगनी। मन में एके बात के सहारा रहे कि निर्बल के बलराम, जेकर केहू ना होखे उनकर ईश्वर होखेला। इंग्लैंड में जब भी कुछ बुरा करे वाला हम होई, कौनो दैवीय शक्ति हमें रोक लेवे। बहुत मजा कहनी, दावत में हिस्सा लेनी, सब पढ़ाई के नाम पर। जून 1891 के हम पढ़ाई पूरा करके भारत लौट गईनी। वकालत के पढ़ाई कैले रही, पर वकालत हमरा ना करे आवत रहे। नामे के बैरिस्टर रही, एक भी केस ना लड़ले रही। इंग्लैंड और भारत के कानून में जमीन आसमान के अंतर रहे। जो कानून हम पढ़ले रही वो भारत में लागू ना रहे, अब भारत के कानून हम पढ़ लेना रही। हम तो भारत के इतिहास भी ना पढ़ ले रही। फिरोज शाह मेहता जैसन वकील जब कोर्ट में गर्जत रहन लोग, तो उनके देखत रहम आ सोचम
कि इतना हिम्मत कहाँ से ले आवेला लोग। बड़का भैया के हमरा से बड़ा उम्मीद रहे, सोचत रहन कि विदेश से पढ़ के आयल बा, बहुत पैसा कमाई, तो ऊ हमरा ऊपर खुल के खर्चा करस। हम बम्बई में पहला केस लड़नी, साँच कहीं तो कोर्ट में जाके हम ससुराल के नया दुल्हन जैसन चुप हो जात रही। पहला केस लड़े खातिर उठनी तो हमार पैर कांपत रहे, सर चकरात रहे, आँख के नीचे अंधेरा छा गेल रहे। जहाँ से उठल रही वहीजे जाके बैठ गई। हमार केस दोसर वकील लड़लस, जीत भी गई। जवन फीस ले ले रही वो लौटा देनी। महात्मा गांधी के आत्मकथा के आगे के हिस्सा सुनी हमार चैनल पर, वो भी भोजपुरी में। उनकर साउथ अफ्रीका के यात्रा के बारे में अगला एपिसोड में। अनुवाद मैहर सिंह।